अस्सलाम वालेकुम। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज एक और नई रेसिपी जो टी ब्रेड है या टी टोस्ट है तो या टी केक कह सकते हैं इसे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आइए बनाना शुरू करते हैं बेसिक टी केक और बेसिक स्पंज केक विद एग। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेजरिंग जो है मैं आपको बता दूं कि मैंने इस कप से सारे मेजरिंग किए हुए हैं, आप लोग अपने कप के हिसाब से भी कर सकते हैं। इस कप से मैंने एक कप दही ली है, एक कप मैंने ऑयल लिया हुआ है और दो कप जितना मैंने तकरीबन यहाँ पे जो है मैदा लिया हुआ है रिफाइंड फ्लो और डेढ़ कप जितना मैंने चीनी ली है, यहाँ दानेदार चीनी ली है, एक मैंने सिंगल इलायची ली हुई है। इसे जो है हम लोग मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और मैंने वेनिला एसेंस लिया है जो मुझे एक चम्मच लगेगा। तीन मैंने जो है एग लिए हैं और मैंने यहाँ पे दो जो है आप लोगों को दिखाने के लिए केक मोल्ड लिया हुआ है। एक जो है ये इस तरह से है जो ब्रेड साइज में होता है और एक जो है राउंड वाला है और साथ में कुछ और तैयारियां भी मैंने की हुई हैं। चलिए मैं एक मिक्सी जार ले लूँगी और हमारी चीनी जो है ये इसमें डालकर बिल्कुल बारीक पीस के और इसे छान लेंगे। चलिए इसे बारीक पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारी चीनी जो है बिल्कुल बारीक जो है पीस गई है, एकदम बारीक है ये। ये देखिए मैंने इसे एक बार छान कर और फिर से दोबारा से इसे मिक्स करके फिर से एक बार मिक्सर में मैंने पीस लिया है। इसमें हम लोग जो है तीन अंडे जो है हमारे वो फोड़ के डालेंगे और फिर से इसे जो है मिक्सी में अच्छी तरह से चला लेंगे उस वक्त तक जब तक ये गीला ना हो जाए। आप लोग चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी तोड़ सकते हैं। इलेक्ट्रिक बीटर से भी आप लोग इसे बीट कर सकते हैं या चाहे तो हैंड बीटर से भी यूज कर सकते हैं। ये लीजिए तीन अंडे जो है मैंने इसमें डाल लिए। अब इसे मैं मिक्सी में घुमा कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इसे मिक्सी में घुमा लिया था और आप लोग देख सकते हैं इसे बिल्कुल भी लंप नहीं है और ये काफ़ी अच्छा जो हो गया है। अब इस लेवल पे जो है मैं इसमें डाल दूंगी जो दही है हमारी वो। साथ में डाल दूंगी वेनिला एसेंस एक चम्मच भरकर। इससे अंडे की बदबू भी चली जाती है और केक को अच्छा फ्लेवर मिलता है। और ऑयल भी मिला लूँगी मैं साथ ही में। मैंने यहाँ रिफाइंड फ्लोर ही यूज़ किया, ऑयल यूज़ किया है। आप लोग चाहे तो अपने दिल से कोई भी फ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बटर वगैरह या घी वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसे भी मैंने मिक्सी में जो है घुमा लिया था। अब ये भी देखिए काफ़ी अच्छा इमल्शन सा रेडी हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जो है यहाँ पर एक बड़ा चम्मच भर के मैंने यहाँ बेकिंग पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया है और बिल्कुल चुटकी भर यहाँ पे मैंने नमक ली हुई है। तो ये तमाम चीज़ों को मैं मिला लूँगी अच्छी तरह से पहले। आप मैदे को कभी भी आप लोग जो है छान कर ही यूज़ करें ताकि ये जो है थोड़ा सा हल्का हो जाए तो उसमें हवा शामिल जाती है तो इसे मिक्स करने में आसानी हो जाती है। अब जो है मैं पहले हाफ मैदा इसमें डालकर इसे मिक्स कर लूँगी। आप लोग चाहें तो इसे बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं, इस तरह से करना आसान हो जाता है। चलिए आधा मिक्स करके फिर आपको दिखा। ये देखिए आधा मिक्स हो गया है, ये जो साइड में लगा है इसे हम लोग फिर से बीच में डाल लेंगे। आप देखिए बिल्कुल लंप नहीं है। अब बचा हुआ आधा जो है हम लोग वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और उसे पूरा एक मिनट तक हम लोग घुमाएंगे। उससे क्या होगा कि इसमें एयर भी शामिल हो जाएगी, तमाम इंग्रेडिएंट जो है ये थोड़ा हल्के भी हो जाएंगे और लम्स वगैरह भी जो है वो भी निकल जाएंगे। चलिए इसे जो है निकाल एक बार फिर से मैं मिक्सी में डाल लेती हूँ। पहले इसे हाथ से हम लोग मिक्स कर लेंगे चमचे से क्योंकि अभी मिक्सचर गाढ़ा हो गया तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा सारा। नहीं तो चलिए अभी इसे मैं मिक्सी से जो है उसमें मिक्सी में एक बार फेंट लेती हूँ। चलिए एक बार फेंट लेती फिर आपको दिखा। ये देखिए मैंने फेंट तो लिया है, इसके साइड में थोड़ा सा जो है लगा हुआ है, इसे हम लोग फिर से निकाल लेंगे।
और इसे फिर से बीच में मिक्स करेंगे। इस तरह से हम लोगों को ये 2-3 बार करना है, अंदर भी जितने लगे होंगे वो भी निकल जाएंगे इस तरह से। और फिर एक बार और मैं ऐसे करूँगी, चलिए फिर से इसे घुमा लेते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया है। अब मैं इसे जो है पहले टिक केक का जो बाउल आता है इस तरह से, पॉन्ड केक का जो लीड होती है, मैं उसमें डाल दूंगी केक टिंग जो है। तो इसमें जो है हम लोग ये जो मार्किंग है हाफ से थोड़ा सा ही ज़्यादा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो चलिए मैं उस मार्किंग तक इसमें डायरेक्टली डाल दूंगी। बस हम लोगों को इतना ही रखना है ताकि इसका अच्छा सा शेप आ जाए। और ये जो है ये मैं हमारे पास जो राउंड शेप जो केक टिन है मैं उसमें रख लूँगी, उसे भी मैंने रेडी किया हुआ है। इसे एक बार हम लोग टैपर कर लेंगे ताकि सब जितने भी मिश्रण है वो सब इक्वल हो जाए। चलिए इसे जो है अब मैं जो हमारा रेडी किया हुआ घर का ओवन है उसमें डाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी गर्म हो गया है, इसे जो है मैं इसमें आहिस्ता से रख लूँगी। और इसे जो है हम लोग धीमी आंच पे यानी मीडियम आंच पे थोड़ा सा क्रॉस है, मैं इसका सीधा कर लेती हूँ। जी अब सही है, इसे जो है हम लोग मीडियम आंच के लिए आधे घंटे तक के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें से दिखता रहेगा। एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज़ की भाप जो है आपकी सरफेस पे लग रही है तो ये आपको दिख जाएगा, तो आप जो है इसे निकाल कर और इसका सरफेस जो है इस तरह से पोंछ सकते हैं। अभी तो नहीं है, अगर आया तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए पकने देते हैं कि सामने हमने अभी इसमें जो है हाफ डाला हुआ था, हाफ मार्किंग तक। ये देखिए अगर आप लोगों को दिख रहा है तो ये जो हमारा टिन था वो टिन भर के भी इसके ऊपर तक आ गया, काफ़ी अच्छा फूला हुआ है। ये देखिए अभी मुझे इसे जो पकाते हुए 15 मिनट हो गए हैं, 15 मिनट के बाद जब भी थोड़ा सा और ब्राउन हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हाफ एन आवर हो गए हैं, इसे हम लोग निकाल कर देख लेते हैं। ये देखिए साइडों में जो है ये अच्छा ब्राउन हो गया है, बीच में आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा जो है वो इतना फूल गया है कि वो फूलने की वजह से फट गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग छुरी डालकर देखेंगे अगर हमारा केक, देखिए बिल्कुल क्लीन वापस आ रहा है। अगर ये क्लीन आ रहा है इसका मतलब है कि ये हो गया है। तो चलिए इसे जो है हम लोग निकाल लेते हैं पहले। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गया है और मैंने जो है इसे साइड से इस तरह से कट कर लिया, निकाल दिया है, छुरियाँ जो है इस तरह से फिरा दी हैं चारों तरफ से। चलिए इसे जो है इसी में मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, रूम टेम्परेचर पे आने दूंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा जो केक है वो बनकर रेडी हो चुका है, ये हल्का ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ है। इसे जो है हम लोग साइडों पर इस तरह से कट लगा लेंगे। इसे जो है एक बार हम लोग पलटेंगे, पलटने के लिए पहले इस तरह से बर्तन लेके इसे करेंगे क्योंकि केक जो है काफ़ी सॉफ्ट होता है। ये देखिए काफ़ी क्लीन शीट हमारी जो है बर्तन जो है वो भी आ गया है, ये भी काफ़ी अच्छा जो है पक गया है। देखिए इस तरह से अब इसे जो है हम लोग कट कर लेते हैं, काफ़ी गर्म है अभी भी ये, मैं आपको उसको कट करके दिखाती हूँ। देखिए देखिए कितना सॉफ्ट है ये देखिए। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक बना है, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और काफ़ी स्पंजी है। अगर आप लोगों को इसको बहुत अच्छी तरह से कट करना है तो आप लोग इसे पहले फ्रीज में रखिए और फिर कट करिए। देखिए और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, ये देखिए साइड से जो पका हुआ है काफ़ी अच्छा है। चलिए इसे जो है थोड़ा ठंडा कर लेते हैं, बाकी जो है मैं वो भी बना लेती हूँ। ये देखिए तैयार है गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छे बहुत ही टेस्टी स्पंजी केक। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तैयार है गर्मा गर्म बहुत ही अच्छी बहुत ही टेस्टी सी स्पंजी ब्रेड केक या टी केक। आप लोग इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ।